एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। जैसा कि मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम सीटेट का नया बैच लेके आ रहे हैं एकदम फ्री, तो उसी कंटेंट में आज हमने स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी की एक सीरीज चलाई है, तो उसमें आज हम 6th क्लास का पॉलिटिकल साइंस की लेसन करेंगे। तो उसमें हम आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम एनसीईआरटी की बुक से स्टार्टिंग करेंगे अपने सीटेट के कोर्स की। और ये केवल सीटेट के बच्चों के लिए ही नहीं है, बाकायदा उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे एनसीईआरटी के लिए स्कूल में प्रिपेयर कर रहे हैं, या एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इसके अंदर आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन अगर स्पेशली टारगेट करें तो स्पेशली टारगेट ये सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सीटेट को ही ध्यान में रख करके इसको हमने डिज़ाइन किया है। और बाकी ये फ़ायदा हर एग्ज़ाम में करेगा, नुकसान किसी को नहीं करेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का जो 6th क्लास का जो हमारी बुक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, 6th क्लास में जो पहली बुक है हमारी पॉलिटिकल साइंस की, उसके इस लेसन को हमने दो भागों में बांटा है। तो आज इस वीडियो में हम भाग वन को डिस्कस करेंगे, और जो कल वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसके पार्ट सेकेंड को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला लेसन है 6th क्लास का, उसका नाम है विविधता की समझ। और आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी खराश भरी आएगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कल वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद और मेरे सिस्टम में भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे रिजॉल्व करा के वादे के मुताबिक मैं अपना पहला वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिन्ह के नीचे सदैव क्या उल्लेखित रहता है। आपको बताना है कि भारतीय चिन्ह के नीचे सदैव क्या उल्लेखित रहता है। तो उत्तर होगा आपका सत्यमेव जयते। क्या उत्तर होगा? सत्यमेव जयते। भारतीय चिन्ह के नीचे सदैव क्या उल्लेखित रहता है, तो उत्तर होगा सत्यमेव जयते। और ये भी जान लीजिए, इसके अलावा इसके इनसाइड के बारे में भी जान लीजिए कि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ये मुंडक उपनिषद के बारे में आप जानते ही होंगे कि अशोक सम्राट के बारे में उसके अंदर डिस्कशन है, तो वहीं से उठाया गया है सत्यमेव जयते को। ये भारतीय चिन्ह के नीचे सदैव लिखा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, ये थोड़ा गलत हो गया है, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप लिखो, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा सब लोग, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप लिखो। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उत्तर में कोई गलती नहीं है, प्रश्न में ई मिस हो गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान विषय को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वारा किस रूप में व्यक्त किया गया है। सामाजिक विज्ञान विषय में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वारा किस रूप में व्यक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे नहीं, ढूंढने से भी, आप चाहे 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामाजिक विज्ञान के जो बुक है उसके अंदर जो हमारी जीवन रेखा है उसको कैसे व्यक्त किया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 में पढ़ाने के लिए किस पर जोर दिया गया है। एनसीएफ 2005 में पढ़ाने के लिए किस पर जोर दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों के अनुभव के आधार पर, जो उनको अनुभव से जुड़े हों। याद रखिएगा कि आज जो लर्निंग है वो कैसा लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है हर चीज़। ये नहीं, अब वो ज़माना नहीं है कि वृक्ष के नीचे गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी सारी चीज़ें सिखा दे बच्चों को और बच्चा बस गुरुजी की बात माने। अब बच्चे ऐसे नहीं हैं, अब वैज्ञानिक युग के बच्चे हैं, बच्चा उन्हीं चीज़ों को मानता है जो बच्चा खुद उनसे करता है, बच्चा उन चीज़ों को नहीं मानता जिस चीज़ों को वो खुद नहीं कर पाता था। यानी कि आज एनसीएफ में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है बच्चों के अनुभव के आधार पर, जो उनके अनुभव से जुड़े हों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला है, विद्यार्थी कक्षा लेखन के दौरान किसका विकास होता है। विद्यार्थी कथा लेखन के दौरान किसका विकास होता है, तो किसका होता है, तो सृजनात्मकता का होता है।
क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा कथा लेखन करता है, जब बच्चा स्टोरी राइटिंग करता है, तो वो अपने मन के भाव लिखता है, अपने मन की आत्म अभिव्यक्ति लिखता है। बच्चा सोचता है कि उसके मन में जो जो भावनाएं होती हैं बच्चा वो लिखता है। बच्चा ड्राइंग करते समय क्या करता है, बच्चे के मन में जैसे चित्र आते हैं, बच्चे के मन में जैसी भावना आती है, बच्चा उसको कागज़ पर उतारता है। स्टोरी लिखते समय भी बच्चा उसी प्रकार की चीज़ें करता है। अगर बच्चे को हम ज़्यादा सुपीरियर कॉम्प्लेक्स देंगे तो वो अपने आप को हीरो जैसा दर्शाएगा, बच्चे को हम इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स देंगे तो वो अपने आप को थोड़ा दबा हुआ दर्शाएगा। तो इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर भाषा के किस लिंग का इस्तेमाल किया गया है? देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन सीटेट के अंदर 101% पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर भाषा के किस लिंग का इस्तेमाल किया गया है? तो उसका उत्तर है स्त्रीलिंग। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यूट्यूबर ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करते, सीधा वो क्वेश्चन आंसर कराते चले जाते हैं। लेकिन हमारा चैनल थोड़ा हटके है, हम बच्चे को हर क्वेश्चन के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बताना चाहते हैं। तो इसके पीछे जो स्त्रीलिंग दिया गया है, हमारी सरकार चाहती है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहती है और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए सामाजिक राजनीतिक जीवन के अंदर भाषा के किस लिंग को इस्तेमाल किया गया है? तो स्त्रीलिंग, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके, जेंडर इक्वलिटी की चीज़ें हो सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन किताब कितने भागों में विभाजित है? कोई भी सोच नहीं सकता कि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आप जब पिछले 5 साल 6 साल के पेपर के स्टडी करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को भी पाएंगे कि इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन किताब कितने भागों में विभाजित है। तो उत्तर है कितने, 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में, 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग विविधता, दूसरा भाग सरकार, तीसरा भाग स्थानीय सरकार और प्रशासन, और चौथा भाग आजीविकाएं। तो कौन कौन से हुए, फर्स्ट विविधता, सेकंड सरकार, थर्ड स्थानीय सरकार और प्रशासन, और फोर्थ आजीविकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क, भाग 4 क में। अब आप सोचेंगे कि नागरिकों के मूल कर्तव्य, आप जब भी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो सबसे पहले पेज के ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे प्रस्तावना होती है, उसके बाद में देखेंगे तो हमारे 11 मूल कर्तव्य लिखे हैं, जिसमें 11वें नंबर पे लिखा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना हर माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। तो वहीं पर ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंदर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? देखिए आ गया ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? तो हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या है 11, जिसमें मैंने आपको बताया कि 11वां जो मूल कर्तव्य है जो ऐड किया गया है, कौन से संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है, तो वो जो हमारे 86वें संविधान संशोधन हुआ है, जिसके अंदर हमारे विद्यार्थियों को 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर हमारे विद्यार्थियों को 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार के अंदर हर माता पिता का एक कर्तव्य है कि वो उसको 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन जर्नली पेपर में आ जाए और आपने इसके बारे में ना पढ़ा हो तो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। सब्जेक्ट शब्द का अर्थ होता है कि विषय, तो बच्चे विषय मार के आ जाते हैं और विषय होता भी है ए ऑप्शन में, लेकिन इसका सीधा अपोजिट आंसर है, इसका आंसर है प्रजा। क्या है, प्रजा। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि सब्जेक्ट शब्द का अर्थ क्या है, सब्जेक्ट शब्द का शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, तो आपको क्या लगाना है, प्रजा लगाना है, प्रजा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीर का क्या अर्थ है? बहुत ही सिंपल उत्तर है इसका, लेकिन हमने इजी से इजी क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सबको टारगेट किया है ताकि एक भी क्वेश्चन बच ना पाए एनसीईआरटी से। समीर का अर्थ होता है पवन या हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन पुत्र हनुमान कौन थे? ये सभी को पता होगा, पवन पुत्र हनुमान जी थे, हमारे वीर हनुमान पुत्र जी, हनुमान जी थे हमारे पवन पुत्र जी, ठीक है, राम जी के परम भक्त और हम उनके भक्त, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। समीर एक और समीर दो की कहानी द लाइट चेंज किसकी कृति है? ठीक है,
क्वेश्चन है, समीर एक और समीर दो की कहानी द लाइट चेंज्ड किसकी कृति है? तो ये कृति है पोयली सेन गुप्ता की। किसकी कृति है? पोयली सेन गुप्ता की। नाम याद रखिएगा, समीर एक और समीर दो के अंदर क्या दिखाया गया है? सामाजिक अनइक्वालिटी को दिखाया गया है कि एक समीर जो होता है वो गुब्बारे बेच रहा होता है और एक समीर जो होता है वो अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो ये दिखाया गया है कि समाज के अंदर जो अनइक्वालिटी है वो जेंडर के कारण नहीं है, वो जाति धर्म के कारण नहीं है, बल्कि वो एक आर्थिक अविभाजन है समाज के अंदर। ये समीर एक और समीर दो की कहानी जो है इसमें इसके ऊपर जोर करके दिखाया गया है, जिसके राइटर है पोयली सेन गुप्ता। इस नाम को याद रखिएगा, ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबी किसका उदाहरण है? गरीबी किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विविधता का ना होकर गैर बराबरी का। यानी कि अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको आप बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हो, सारी फैसिलिटी दे रहे हो, उसको घर अच्छा दे रहे हो, उसको स्कूल अच्छा दे रहे हो, उसको टीचर अच्छा दे रहे हो, उसको बुक्स फैसिलिटी सारे दे रहे हो, अगर वो बच्चा एक एवरेज बच्चा भी है तभी भी वो अच्छा कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जो बहुत इंटेलिजेंट भी है लेकिन उसको आप कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो बच्चा बहुत पीछे रह सकता है। तो यानी कि गरीबी जो है वो विविधता का ना होकर बल्कि एक गैर बराबरी का उदाहरण है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। जाति व्यवस्था किसका चिन्ह है? तो जाहिर सी बात है, जाति व्यवस्था किसका चिन्ह है? तो जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। जाति व्यवस्था यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर उसकी प्रतिभा को हम डिनाई नहीं कर सकते कि अगर कोई छोटी जाति से आता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही उसको होशियार है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उस कार्य को करने के लायक नहीं है। यानी कि जाति व्यवस्था किसी भी चीज़ की जो हमारी जो समानता है वो या असमानता है उसका आधार नहीं हो सकता है। तो यानी कि जाति व्यवस्था किसका चिन्ह है? जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी लिखने के लिए क्या क्या स्रोत हैं? जाहिर सी बात है ये बहुत ही सिंपल है लेकिन हमने इजी क्वेश्चनों को भी टारगेट किया है। तो किताबें वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। किताबें वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत किस तरह का देश है? सभी को पता होगा, काफ़ी सारे व्यूवर्स को पता होगा लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी जान लीजिए। भारत किस तरह का देश है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है। यहाँ के लिए कहा गया है कि यहाँ पर घाट घाट पर पानी बदलता है और किलोमीटर पर वाणी। ठीक है, यहाँ वाणी और पानी में बहुत विविधताएं हैं और इसी वाणी और पानी के कारण मैं थोड़ा अभी ट्रैवल करके आया हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी आपको ख़राब लग रही होगी। तो भारत किस तरह का देश है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में यात्रा के उद्देश्य क्या होते थे? क्या थे प्राचीन समय में यात्रा के उद्देश्य क्या थे? तो उत्तर है, अक्सर यात्रा खेती करने के लिए, बसने के स्थान के लिए और व्यापार करने के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलीजुली संस्कृति क्या है? मिलीजुली संस्कृति क्या है? वही विविधतापूर्ण संस्कृति को मिलीजुली संस्कृति कहते हैं। तो जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तथा वहाँ कुछ नई जगह की संस्कृति अपनाता है और अपनी पुरानी जगह की बरकरार रखता है, उसे मिलीजुली संस्कृति कहते हैं। ये ऐसे ही याद रखिएगा, सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। लद्दाख को किस रूप में अच्छा माना गया है? लद्दाख को किस रूप में अच्छा माना गया? व्यापारिक मार्ग के लिए, जिसे आज तिब्बत के रूप में जाना जाता है। इस मार्ग से मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि का व्यापार होता था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म तिब्बत किस मार्ग से पहुंचा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म तिब्बत किस मार्ग से पहुंचा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लद्दाख मार्ग क्षेत्र से। किस क्षेत्र से पहुंचा था? लद्दाख मार्ग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, छोटा तिब्बत के नाम से क्या प्रचलित है? छोटा तिब्बत के नाम से क्या प्रचलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लद्दाख करीब 400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म से भी पहले प्रचलित हुआ था। यानी कि छोटा तिब्बत के नाम से क्या प्रचलित है? तो लद्दाख प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गानों और कविताओं का संग्रह कहाँ स्थित है? गानों और कविताओं का संग्रह कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। कभी भी क्वेश्चन आ जाए गानों और कविताओं का संग्रह कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर लगाना है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। केसर सांगा क्या है? केसर सांगा क्या है? तो केसर सांगा उत्तर हो जाएगा, लद्दाख का काफ़ी प्रचलित ग्रंथ। ये तिब्बत का ग्रंथ है और इस ग्रंथ को गाया जाता है
तथा इस पर नाटक खेला जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर काफ़ी सारे ग्रंथ भी हैं, और ये एक ग्रंथ है जिसको गाया भी जा सकता है और इसके ऊपर नाटक भी खेला जा सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा गया है केसर सांगा क्या है। तो क्या है, लद्दाख का काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है, ये तिब्बत का ग्रंथ है, इस ग्रंथ को गाया जाता है और इस पर नाटक खेला जाता है। नेक्स्ट, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान से क्या प्रचलित है, ठंडा रेगिस्तान के नाम से क्या जाना जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है लद्दाख, यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर बहुत ही कम ठंडा रहता है, इसीलिए ठंडा रेगिस्तान के नाम से लद्दाख जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए ये 25 क्वेश्चन थे, ये इस लेसन का पार्ट फर्स्ट था। आई होप कि हम कल इसका पार्ट सेकेंड अपलोड करेंगे जिसमें कि इसके जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन इसके अंदर हम डालेंगे। तो आपसे ये है कि अभी हमने कोर्स स्टार्ट ही किया है, देख रहे हैं हम काफ़ी कम बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें ताकि ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और जितने भी आपके कलीग्स हैं उन सभी को बताएं कि सीटेट का कोर्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मानता हूँ कि फ्री की चीज़ की ज़्यादा नॉलेज मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम फ्री में भी बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल क्वालिटी से भी ऊपर का देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी चीज़ को करने में कितनी मेहनत लगती है, पहले इसको तैयार करो, बनाओ, ढूंढो, उसके बाद आपके लिए लेके आओ। तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इतना करेंगे कि हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ एडवाइस देनी है कि और अच्छा कैसे हो सकता है, या और मैं कुछ अच्छा कंटेंट कैसे ला सकता हूँ, या और कुछ चेंजेस क्या करने हैं, अगर आपके कुछ भी वैल्यूबल सजेशंस हैं तो उसको मोस्ट वेलकम है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।